वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। होपफुली आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई, अपना काम पूरे मेहनत से और पूरी ऑनेस्टी से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिलेड कम्यूटेशन कैसे होता है, और हमने ये देखा कि किस तरह से डिलेड कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, और वो स्पार्किंग काफी डेंजरस है आपके डीसी मशीन के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस स्पार्किंग होगी, फायर वगैरह हैजार्ड्स का प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, पुअर कम्यूटेशन से गुड कम्यूटेशन कैसे अचीव करते हैं, इन सब चीजों को अब देखना है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले छोटा सा कंसेप्चुअल चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कि सपोज ये एक डीसी मशीन है जिसको अभी मैं जनरेटर मान रहा हूं, और ये रोटर वगैरह सब कुछ, और इसको हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एंड सपोज कि आपका मशीन नो लोड पर है, कोई लोड नहीं है, ठीक है ना, तो लोड नहीं है इसका मतलब करंट नहीं है, लेकिन ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, जब लोड नहीं है तो इस समय आपका इंटरपोलर एक्सिस कौन सा है, यही है बीच वाला ब्रश एक्सिस इज द इंटरपोलर एक्सिस, जहां पर की ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। तो इस तरफ जो नॉर्थ पोल में है उनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा क्रॉस, और जो साउथ पोल के अंदर में है उनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा डॉट, करेक्ट ना। अब और मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। अब अगर आप लोड लगाते हैं, ठीक है, लोड अगर लगाएंगे तो एक करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा आर्मेचर वाइंडिंग में, तो आर्मेचर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड पर जो प्रभाव डालेगा उसको कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, और वो हम लोग देख चुके हैं। क्या देखे, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो यहां इस तरह से नीचे की तरफ होता है, तो इस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ प्रेस करता है। इस तरफ प्रेस करेगा ऊपर तो ये ऊपर चला गया, बीच में प्रेस करेगा नीचे, और बीच का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है क्योंकि रिजल्टेंट है, बीच वाले को प्रेस करेगा ज्यादा फोर्स से नीचे तो वो नीचे, और फिर इधर तो प्रेस ऊपर है लेकिन बीच में ही इतना फोर्स लग गया कि वो नीचे से ही निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, वो हम आपको एक मिनट बताने जा रहे हैं। अब इसका जो अगर हम लोग फेजर डायग्राम टाइप का बनाएं, तो ये फाई एफ हमने देखा था, फाई ए ऐसे नीचे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ये रिजल्टेंट फाई आर, ठीक है, और फाई आर के परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है आपका एम एन ए, मतलब नो लोड कंडीशन पर जो एम एन ए यहां पर था, अब जब लोड लगाए हैं तो एम एन ए कुछ एंगल से शिफ्ट करेगा। अब एम एन ए जितने एंगल से शिफ्ट करेगा वो एंगल किस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग बात कर चुके हैं, वो एंगल डिपेंड करता है लोड पर, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ही ज्यादा एम एन ए की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो देखिए, यानी कि आपका जो एम एन ए है वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब कह सकते हैं कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा एम एन ए, ठीक है। यानी कि सपोज एम एन ए की जो शिफ्टिंग है उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए क्योंकि आगे की चीजें इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, पहले जब नो लोड कंडीशन है उस समय ये ब्रश का एक्सिस आपका इंटरपोलर एक्सिस है, लेकिन अब जबकि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है ना,
जब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है तब इंटरपोलर एक्सिस ये ब्रश एक्सिस नहीं रह गया, इंटरपोलर एक्सिस क्या हो गया ये एमएनए, दिस इज द इंटरपोलर एक्सिस। जब कोई कंडक्टर इस एमएनए के अक्रॉस आएगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा जीरो होगा। लेकिन अब यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब कोई कंडक्टर ब्रश से पहले जो करंट होता है और ब्रश को छोड़ने के बाद जो करंट है उस करंट का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। बात समझिए, दो चीजें हैं। सबसे पहला बात यह है जो हम लोग पढ़ भी चुके कम्यूटेशन प्रोसेस में कि जैसे ही कोई कंडक्टर ब्रश के कांटेक्ट में आता है, यह हम लोग देख चुके हैं पूरे अच्छे से कि जब कोई क्वाइल जो दो कम्यूटेटर का जो कॉमन क्वाइल है उसमें कम्यूटेशन शुरू होता है, या ऐसे कहिए जब जब ये कंडक्टर ब्रश के जैसे ही संपर्क में आएगा इसका कम्यूटेशन शुरू होगा और ब्रश को जैसे ही लीव करेगा उसके करेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और एमएनए के अक्रॉस जब कोई कंडक्टर आएगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक हल्का चेंज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से इस चीज को हम समझा सकें। सपोज कि एमएनए की एक्सिस बीच में ना लेकर के हम एग्जैक्टली किसी कंडक्टर को लेते हैं, सपोज कि हम इसको और इसको लेते हैं। चलो ध्यान दीजिए, देखिए अब ये जो एमएनए एक्सिस है वो अब आपकी इंटरपोलर एक्सिस है, इसके लेफ्ट साइड के जितने भी कंडक्टर्स हैं वो सब नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है और इसके राइट साइड के जितने भी कंडक्टर्स हैं वो सब साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, पहले एमएनए की ही बात कर लेते हैं। तो एमएनए के लेफ्ट साइड में सब नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में, राइट साइड के सब साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में, यानी कि और जो बिल्कुल एमएनए पर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा जीरो होगा। तो अगर हम ब्लू से ईएमएफ इंड्यूस को दिखाए हैं तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा और इसके लेफ्ट साइड के जितने भी कंडक्टर्स हैं उन सब में ईएमएफ इंड्यूस क्रॉस होगा और राइट साइड में जितने हैं उन सब में डॉट होगा। एमएनए के इस तरफ के जितने कंडक्टर हैं उन सब में ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन क्रॉस है और इस तरफ के जितने भी कंडक्टर हैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन डॉट है। लेकिन अब आते हैं ब्रश के ऊपर। देखिए ब्रश का क्या मामला है कि ब्रश को क्रॉस करने से पहले कंडक्टर का जो करंट होता है जब वो ब्रश को क्रॉस कर जाता है उसके बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हाँ, अगर डिलेड कम्यूटेशन होगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ब्रश क्रॉस करने के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट के डायरेक्शन को ब्रश से मतलब है और ईएमएफ इंड्यूस्ड के डायरेक्शन को एमएनए से मतलब है। ठीक है, अब इसको समझिए, हम जो करंट का डायरेक्शन है उसको हम आपको यहां पर रेड से दिखाएंगे। देखिए यानी कि करंट की बात करें तो जैसे कि ये सपोज, देखिए जरा समझने के लिए कि ये कंडक्टर, ध्यान दीजिए जरा, जैसे ये कंडक्टर है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दो कंडक्टर यहां पे हम बनाते हैं। सपोज तीन बना लेते हैं आपको बस समझाने के लिए, ऐसा सब कुछ सिमेट्रिकल होता है, बस आपको समझाने के लिए हम यहां तीन कंडक्टर बनाए। तो देखिए कि ईएमएफ इंड्यूस इन सारे में जो भी इसके इधर है उन सब में ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन तो क्रॉस ही होगा क्योंकि सबके सब किस में है, नॉर्थ पोल के अंदर में। लेकिन करंट पढ़ाइए, देखिए करंट का डायरेक्शन भी इस कंडक्टर में क्रॉस होगा, इस कंडक्टर में क्रॉस होगा, इस कंडक्टर में क्रॉस होगा, इस कंडक्टर में क्रॉस होगा। ये कंडक्टर अभी जस्ट इसको टच कर रहा है, इसमें अभी भी क्या रहेगा क्रॉस होगा। ये जो बीच वाला कंडक्टर है इसमें क्रॉस होगा कि डॉट होगा कंफ्यूजन में हम है।
जीरो नहीं होगा क्योंकि डिलेड कम्यूटेशन है, तो थोड़ा सा इट विल, लेकिन क्रॉस होगा कि डॉट होगा वी कांट से नहीं, क्योंकि हमको हो सकता है कि चेंज अगर हो गया हो डायरेक्शन, फुल्ली चेंज ना हुआ हो तो चेंज हो गया हो, डॉट हो गया हो, और नहीं अगर अभी फुल्ली चेंज नहीं हुआ है तो, और करेक्ट डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुआ तो क्रॉस भी हो सकता है। तो बीच वाले में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो उसको रहने दीजिए। लेकिन अगर कोई कंडक्टर इस ब्रश को क्रॉस कर गया, डिलेड कम्यूटेशन भी हो गया, इट हैज क्रॉस, अगर क्रॉस कर चुका है तो भले ही इसमें, अच्छा सॉरी, ये ब्लू तो डॉट का है ना, सॉरी ब्लू तो आपका इनफिनिटी उसका है, तो ब्लू तो ये रह गए, ब्लू तो ये नहीं रहे। करंट की बात करें तो इसमें करंट क्या होगा इस कंडक्टर में, बीच वाले कंडक्टर में, इसके बारे में वी आर नॉट सर्टेन। लेकिन ये कंडक्टर मतलब, तो इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है, पता नहीं, लेकिन ये जो कंडक्टर है या इसी के काउंटर पार्ट जो इधर कोई होगा, ये चूंकि ब्रश को क्रॉस कर चुका है, इसलिए इवन इफ इसके ईएमएफ का डायरेक्शन क्रॉस है, लेकिन करंट का डायरेक्शन डॉट हो जाएगा। बस देखिए, मेरा ये कहना है कि ब्रश को जैसे ही कंडक्टर ने क्रॉस किया, उसका ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा वो तो एमएनए से डिसाइडेड होगा, क्योंकि एमएनए इंटरपोलर एक्सिस के अलोंग है। एमएनए से लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल के अंदर में है, तो और रोटेशन क्लॉकवाइज उस हिसाब से पोलरिटी बनेगी, और राइट साइड में उस हिसाब से बनेगी। लेकिन जो करंट का है, तो कंडक्टर से करंट का डायरेक्शन ब्रश को क्रॉस करते ही चेंज हो जाता है। ब्रश को क्रॉस करने से पहले जो डायरेक्शन होता है, ब्रश को क्रॉस करने के जस्ट बाद वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। और जब हम लोग को आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, तो हमको करंट को ही देखना है ना, उसी से तो है सारा चीज। तो आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड को देखना है तो करंट को देखना है, उसके करंट को देखना है। तो आप देखिए, यानी कि इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर के करंट का तो नहीं पता, लेकिन इस कंडक्टर में डॉट है करंट, ठीक है। जब ये कंडक्टर इस एमएनए से सॉर्टेड होगा, जब ये एमएनए से सॉरी एमएनए के एक क्रॉस होगा, उस समय उसका ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा, ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा, बट इट विल बी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा, लेकिन इसमें एक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईएमएफ इंड्यूस जीरो है तो करंट भी जीरो, दैट इज नॉट, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि कॉइल का एक पार्ट जिसको हम लोग ओवरहैंग कहते हैं, इसमें तो कभी भी ईएमएफ इंड्यूस जीरो नहीं होता है, सॉरी हमेशा ईएमएफ इंड्यूस इसमें जीरो होता है, लेकिन करंट तो इसमें हमेशा फ्लो करता है। तो यहां एमएनए पर जो है, ठीक है, एमएनए पर जो कंडक्टर है, इनमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, बट करंट चूंकि ब्रश को क्रॉस कर चुका है, इसलिए करंट इसमें क्रॉस है, ठीक है। इसीलिए उसी तरह से देखिए, यहां भी डॉट, सॉरी डॉट रहेगा, बहुत मिस्टर्म हो रहा है, यहां भी डॉट, यहां भी डॉट, यहां भी डॉट, यहां भी डॉट, यहां पे बीच में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि इसको इसने क्रॉस कर लिया, इसलिए यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जनरली इसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा मिलता नहीं है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आगे का जो डिस्कशन है वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, एक बार और बता दें कि जो क्वाइल्स में जो ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन है वो हम लोग एमएनए देख करके डिसाइड करेंगे, और उनमें जो करंट का डायरेक्शन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम लोग क्या क्या देख के डिसाइड करेंगे, ब्रश के पोजीशन को, ब्रश से पहले जो करंट होगा, ब्रश के बाद वो करंट चेंज होना ही होना है, भले ही उसने एमएनए को क्रॉस किया हो या न किया हो। जैसे इसने अभी एमएनए को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये चीजें जब हम लोग लैब वेब पढ़े तो उसमें भी हमने देखा था कि कुछ क्वाइल्स ऐसे थे जिसमें करंट, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस, जिसमें करंट ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन उल्टा रहती थी, लेकिन फिर भी करंट उसमें फ्लो करता था, देख चुके हैं आप, वहां पलटेंगे तो आपको पता चले। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा एक और चीज ध्यान दीजिए, ये जनरेटर है, इसके केस में एमएनए की शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में हुई, राइट साइड में हुई,
और इसको रोटेट भी किस डायरेक्शन में किए हैं, राइट साइड में किए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी नोटेड कि जनरेटर के लिए जो MNA की शिफ्टिंग होती है, MNA जो शिफ्ट करता है वो रोटेशन के ही डायरेक्शन में करता है। और मोटर के लिए आइए जरा देखते हैं, मोटर के लिए इस तरह से क्या होता है। देखिए, और यहां पर एक और चीज देखिए कि चूंकि ब्रश के इस तरफ सारा करंट आपको क्रॉस है ना, और ब्रश के इस तरफ सारा करंट डॉट है, इसलिए जो रिजल्ट आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, सीधे ऐसे क्रॉस डॉट नीचे। तो इसको ऐसे नीचे दिखाया गया है, ये फाई ए, दिस इज फाई ए, और ये थीटा एंगल से MNA जो होगा वो थीटा एंगल से शिफ्टेड होगा। ये इधर कितना एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब आइए मोटर, मोटर में ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां से करंट आया और करंट मान लीजिए कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है कि करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इस तरफ सारे में क्रॉस 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 क्रॉस, इस तरफ सारे में डॉट 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 डॉट, ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए इस बीच में करंट का क्या होगा, सर्टेन नहीं है क्या किस तरह से होगा, इसलिए हम बनाए नहीं इसमें। अब जरा देखिए ध्यान से कि इस कंडीशन में मोटर का एक्चुअल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, जब स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, रोटर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, तो आखिर ये रोटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सोचिए। एक तो तरीका ये है, इन कंडक्टर्स में करंट है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका है, करंट इस साइड अंदर गया, इस साइड बाहर निकला, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मतलब यहां पर हो जाएगा नॉर्थ, यहां पर हो जाएगा साउथ, तो रिपल्सन होगा, तो मूवमेंट इस तरफ, यानी कि रोटेशन का डायरेक्शन इस तरफ है और इसका MNA किधर शिफ्ट होगा, सोचिए। सब कुछ तो वैसा ही है जैसा इसमें है, इसमें भी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इधर, आर्मेचर का करंट का मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसमें भी तो क्या होगा कि देखिए जैसे ये है क्रॉस, करंट अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, ऐसा ही तो होगा। इसमें डॉट, तो इसमें भी तो सेम चीज हो रहा है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, है ना, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो MNA इस केस में भी MNA को किधर शिफ्ट होना है, इधर ही शिफ्ट होना है, क्योंकि ये आपका फील्ड है, आर्मेचर है, सब कुछ सेम, फील्ड आर्मेचर, तो रिजल्टेंट विल गेट शिफ्टेड एंड MNA विल बी अक्रॉस दिस, तो दिस विल बी MNA। लेकिन दोनों में MNA की शिफ्टिंग तो राइट वर्ड ही हुई है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मोटर में जो MNA शिफ्ट हुआ है वो मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट हुआ है ना, और जनरेटर में जो MNA शिफ्ट हुआ है वो रोटर के मूवमेंट के ही डायरेक्शन में हुआ है, तो दिस इज अ बिग डिफरेंस। और इसी बहुत ही मतलब छोटी सी बात पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन द शिफ्टिंग ऑफ MNA फॉर ए जनरेटर, आर्मेचर रिएक्शन के कारण MNA की शिफ्टिंग जनरेटर के लिए होती है उसके रोटर के मूवमेंट के ही डायरेक्शन में, और मोटर के लिए होती है उसके रोटर के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिस्कशन करने का। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अब आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कैसे करें, तो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है उसको समझिए, मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वन मिनट, प्रॉब्लम ये है कि जो आप ये फिगर देख रहे हैं कि जनरेटर है, लोड से कनेक्टेड है, MNA शिफ्ट कर गया, MNA शिफ्ट कर गया, तो आप देखिए ब्लू से अंदर में MF इंड्यूस का पॉजिटिव बना है, इसके सब जगह इधर लेफ्ट बना है, इधर क्रॉस बना है, इधर राइट बना है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जब कंडक्टर यहां पर है तो उसका MF इंड्यूस जीरो है, करंट तो कुछ है लेकिन MF इंड्यूस जीरो है, ठीक है, और जब कंडक्टर यहां पर है ब्रश के साथ सॉर्टेड है उस समय MF इंड्यूस है और उस समय कुछ करंट है, दिस इज द प्रॉब्लम ना। प्रॉब्लम ये है कि जब इसको होना क्या चाहिए,
कि जब ब्रशेस से शॉर्ट हो उस समय ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि जब ईएमएफ इंड्यूस जीरो है तब शॉर्ट नहीं हो रहा है, और जब शॉर्ट हो रहा है तब ईएमएफ इंड्यूस जीरो नहीं है, है ना समस्या है? यहां पर जब शॉर्ट हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो नहीं है, करंट फ्लो करेगा, और यहां पे जब ईएमएफ इंड्यूस जीरो है तब शॉर्ट नहीं। प्रॉब्लम का जड़ यह है कि ब्रश की पोजीशन और ईएमएफ इंड्यूस जीरो की पोजीशन कोइंसाइड नहीं कर रही है, एक लाइन पे नहीं है। तो इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, जिसको कि अभी हम लोग यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन, तो उनके इन्वेंशन से पहले भी लोड कम्यूटेशन को इम्प्रूव करते थे, और उस समय क्या करते थे, अगर आप लोग को थोड़ा सा अभी ये महसूस हो रहा हो कि द प्रॉब्लम इज कि जब ईएमएफ इंड्यूस जीरो है उस समय सॉर्टेड नहीं, क्योंकि ब्रश यहां है, और जब सॉर्टेड है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो नहीं है। अब आप इसको तो जीरो कर नहीं सकते हैं, इसके ईएमएफ इंड्यूस को यहां पर तो जीरो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन होगा तो फील्ड का डिस्टॉर्शन होगा, तो एमएनए तो शिफ्ट करेगा। तो दूसरा क्या काम कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि हम ब्रश को यहां से यहां शिफ्ट कर लें, चाहे यहां के ईएमएफ इंड्यूस को जीरो करें, या यहां ब्रश को यहां से शिफ्ट करके जीरो ईएमएफ इंड्यूस की पोजीशन पे लगा दें। बात तो सेम है, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कुछ, इसको ब्रश को ऐसा कुछ ये नहीं है कि इसको यही रहना है, इसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो इंटरपोल्स एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की डिस्कवरी से पहले जो मेथड यूज होता था वो यही होता था कि ब्रश को शिफ्ट किया जाए फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, यानी कि ब्रश को एमएनए के अक्रॉस शिफ्ट किया जाए, ठीक है ना? ब्रश को एमएनए के अक्रॉस, जहां एमएनए है वहीं पे ब्रश को शिफ्ट किया जाए। अब देखिए, अब जरा सोचिए कि क्या होगा, ब्रश को एमएनए के क्रॉस शिफ्ट करने से हुआ क्या कि ये इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस जीरो था और ये ब्रश से शॉर्ट भी हो गए, ठीक है। ये कंडक्टर्स अब शॉर्टेड नहीं है, है ना, और ईएमएफ इंड्यूस इसमें जीरो नहीं है, अच्छा है। ईएमएफ इंड्यूस कुछ है और ईएमएफ इंड्यूस इनमें कुछ है, और करेंट ईएमएफ इंड्यूस इसमें कुछ है, करेंट में कुछ है, शॉर्ट करेंट नहीं है क्योंकि ब्रशेस का पोजिशन शिफ्ट हो गया। तो इसको कहते हैं ब्रश शिफ्टिंग, है ना, कि कम्यूटेशन को इंप्रूव करना कैसे ब्रश को शिफ्ट करके। अब आप एक बात बताइए कि इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस तो क्रॉस है, इसमें डॉट है, ठीक है, एमएनए की इधर है, इसलिए करंट क्या होगा इसमें और इसमें, क्योंकि इन कंडक्टर ये जो पोजिशन है कंडक्टर का अभी, ये कंडक्टर अभी चूंकि ब्रश के इस तरफ है, अभी ब्रश को टच भी नहीं किया, ब्रश के पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, तो अभी तो ये इस तरफ है, इसलिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्रॉस होगा, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो डॉट होगा। जब ये कंडक्टर ब्रश के कॉन्टेक्ट में आएगा और फिर ब्रश को क्रॉस कर जाएगा तब उसका करंट क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो ये क्रॉस करेगा इधर, तो सिमिलरली ये भी इधर क्रॉस कर जाएगा। जब ये पूरा घूमेगा तो ये क्रॉस करके इधर से इधर जाएगा, तो ये क्रॉस करंट से डॉट करंट हो जाएगा और ये डॉट करंट से क्रॉस करंट हो जाएगा, ठीक है ना? तो यानी कि ये है, ये एफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट से हम लोगों ने कम्यूटेशन को इंप्रूव किया, क्योंकि अब ये जो करंट है क्रॉस, ये जो ब्रश के कॉन्टेक्ट में जाएगा, अब देर इज नो डिलेड, मतलब की डिलेड कम्यूटेशन अब नहीं है। रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होगा थोड़ा, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण नहीं है, क्योंकि हमने ब्रश को वहीं ले आया जहां पर ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो रहा था, ठीक है ना? तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस जीरो हुआ, ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस जीरो है और ब्रश के साथ सॉर्टेड है, तो उस समय ये करंट जो टीसी बाय टू पर जो करंट होगा वो भी आपका जीरो हो जाएगा, और जब क्रॉस करेगा तब फिर ये डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो एमएनए की जो शिफ्टिंग है, एमएनए जो शिफ्ट करेगा,
ठीक है, तो एमएनए जो शिफ्ट करेगा वो एक्सिस कितने एंगल से शिफ्ट करता है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लोड एंगल पर, कि सॉरी मतलब लोड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा इसकी शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो इस मेथड में एक आपको ये समस्या लग रही होगी कि अगर किसी जनरेटर से या किसी मोटर का अगर लोड कांस्टेंट है, फिक्स है, लोड फिक्स है, इतना ही लोड है, तब तो ये मेथड ठीक है कि आपने लोड के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया कि कितना एंगल से एमएनए शिफ्ट होगा और उतना पर आपने इसको शिफ्ट कर लिया और परमानेंट रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वेरिएबल लोड है, लोड चेंज होता है, तब तो फिर हर डिफरेंट लोड के साथ आपको इस ब्रश की शिफ्टिंग अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि एक कोई लोड 50 एम्पेयर ले आर्मेचर करंट, कोई दूसरा लोड 70 एम्पेयर ले, कोई तीसरा 30 एम्पेयर ले, तो अलग अलग लोड के लिए आर्मेचर करंट अलग अलग होगा, तो ये शिफ्टिंग का एंगल भी अलग अलग होगा। तब तो फिर दिन भर में 10 बार आप ब्रशेस शिफ्ट करते रहे, एक आदमी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा कि ब्रश को ही शिफ्ट करो। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसका एक डिमेरिट जो है वो ये है कि डिपेंडिंग अपॉन लोड द ब्रश इज रिक्वायर्ड टू बी शिफ्टेड, और हर लोड के चेंज के साथ ब्रश की भी शिफ्टिंग चेंज होगी। ठीक है ना, कांस्टेंट लोड के लिए तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल लोड के लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, क्या है उसको देखिए जरा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, ब्रश शिफ्ट हो गया या पहले यहां था तो इसके इधर के जितने करंट थे वो क्रॉस थे, उसके इधर के जितने करंट थे वो डॉट थे, तो आर्मेचर फ्लक्स कैसा था? नीचे। ठीक है, अब जब ब्रश शिफ्ट हो गया तो अब इसके इस तरफ के सारे करंट क्रॉस हैं, इसके इस तरफ के सारे करंट डॉट हैं, तो क्या अभी भी आर्मेचर करंट पूरा परपेंडिकुलर होगा कि कुछ एंगल से वो भी शिफ्ट करेगा? एक्चुअली में आप जरा ध्यान दीजिए, फाई एफ, अगर ये फाई एफ है ना, अब आर्मेचर के फील्ड फ्लक्स पहले तो ऐसे था, ये यहां ब्रश था तो ये ऐसे पूरा, अब जो आर्मेचर के फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब आर्मेचर के फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन किसके किसके लॉन्ग हो जाएगा? एमएनए के लिए लॉन्ग हो जाएगा, है ना, ये इस तरह से। यानी कि देखिए ये था, ये आपका दिस वाज द परपेंडिकुलर, पहले फाई ए इधर था, अब फाई ए इधर ना हो करके पहले फाई ए इधर था, है ना, तो ऐसे लेते थे, ठीक है, और फाई आर इधर था और इसके परपेंडिकुलर एमएनए था, ठीक है। अब जब आपने ब्रश के एक्सिस को भी शिफ्ट कर दिया इधर, तो अब आर्मेचर फ्लक्स जो कि पहले इधर होता था वर्टिकल, अब ये भी चेंज कर जाएगा, है ना, ठीक है, अब ये भी आपका चेंज कर जाएगा, और फाई ए विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एमएनए जो भी है। ठीक है, दिस विल बी नाउ फाई। अब अगर ये अगर फाई ए है तो रिजल्टेंट फ्लक्स अब किधर होगा? अगर ये फाई ए है तो रिजल्टेंट फ्लक्स भी, अब ये फाई एफ, फाई ए का रिजल्टेंट फाई आर होता है, अगर ये फाई ए है तो रिजल्टेंट फ्लक्स भी आपका चेंज होकर के कुछ इस डायरेक्शन में होगा, फाई आर इक्वल टू फाई एफ प्लस फाई ए। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ब्रश को शिफ्ट करने से आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, इधर आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हुआ और रिजल्टेंट फ्लक्स भी शिफ्ट कर गया, फिर एमएनए भी शिफ्ट करेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग बहुत ज्यादा उसमें। लेकिन
इसको ब्रश को शिफ्ट करने से एक तो आपको ये है पता चल रहा है कि लोड चेंज होने से बार बार इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, और दूसरा एक और चीज समझिए कि फाइव एफ इधर है और फाइव एफ पूरी तरह से इधर नहीं है, फाइव एफ थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर एक फ्लक्स इधर हो एक परपेंडिकुलर हो तो क्या कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, और अगर कोई इस एंगल में हो तब क्या कहेंगे, तब इसका दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। तो इधर वाले कंपोनेंट को कहेंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइज कर रहा है और इधर वाले कंपोनेंट को कहेंगे कि डीमैग्नेटाइज कर रहा है। तो सिमिलरली इस फाई ए के भी दो कंपोनेंट हैं, एक ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का और एक ये कंपोनेंट है डीमैग्नेटाइजिंग। ये पूरी तरह से अच्छा देखिए अगर ये एंगल थीटा है जिससे एम एन ए को शिफ्ट किए तो इधर थीटा कौन सा होगा, ये होगा ना थीटा, ठीक है। तो ये अगर फाई ए है तो ये हो जाएगा फाई ए कॉस थीटा, ये फाई ए कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है और फाई ए साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो डी मैग्नेटाइजिंग है। मतलब कि रिजल्टेंट फील्ड अब मतलब कि फील्ड फ्लक्स को कुछ घटाने वाला कंपोनेंट आ गया, पहले नहीं था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में ये नहीं था, लेकिन ब्रश को शिफ्ट करने के कारण पहले तो सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा था, लेकिन ब्रश को शिफ्ट करने के कारण आर्मेचर फ्लक्स का जो एंगल शिफ्ट किया थीटा एंगल से उसके कारण एक कंपोनेंट आ गया डी मैग्नेटाइजिंग। और वो आपको इसमें भी दिख रहा होगा कि पहले फाई आर का लेंथ देखिए इतना है और अब फाई आर का लेंथ कुछ कम है, यानी कि ब्रश शिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड घट जाता है ना। यानी कि अगर आपको पहले ही जितना, अगर आपको ब्रश शिफ्ट भी करना है और पहले ही जितना वोल्टेज चाहिए, मतलब मान लीजिए नो लोड पर जितना वोल्टेज मिलता था, ठीक है ना, आपने ब्रश शिफ्ट किया कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए, अब तो लोड पे आपको उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए लोड पे भी था लेकिन आपने ब्रश को शिफ्ट नहीं किया था, ब्रश को नहीं शिफ्ट किया मतलब आर्मेचर रिएक्शन का कोई कंपोनेंट डीमैग्नेटाइजिंग नहीं है, तो डीमैग्नेटाइजिंग नहीं है तो आपको एक वोल्टेज मिल रहा था लेकिन कम्यूटेशन हो रहा था, डैमेज होने का चांस है, डैमेज से बचाने के लिए ब्रश को शिफ्ट कर दिए कि कम्यूटेशन इंप्रूव हो जाए। लेकिन ब्रश को शिफ्ट करते ही क्या देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज रिड्यूस हो गया, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स रिड्यूस हो गया और रिजल्टेंट फ्लक्स रिड्यूस होने से इंड्यूस्ड वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू फाई एन। तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि अब अगले कैलकुलेशन में हमको ये पता करना है कि कुछ एक्स्ट्रा हमको टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, मशीन में कुछ एक्स्ट्रा टर्न्स रखने, अगर ब्रश शिफ्ट करना है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा टर्न्स रखने पड़ेंगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा फ्लक्स जनरेट हो, क्योंकि कुछ तो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप इसको सोचिए कि ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, ठीक है ना, किस तरह से ब्रश को शिफ्ट करने से आर्मेचर का फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हुआ और उसके कारण डीमैग्नेटाइजिंग एक्शन हो रहा है और उसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। अब ये तो डिमेरिट्स हैं, अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसको हम लोग डिमेरिट को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उतना ही फ्लक्स चाहिए जितना पहले था विदाउट शिफ्टिंग तो कितना और टर्न्स, कितना और कंडक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, इसका प्रॉपर कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन भी है और उसके न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि हम लोग को करने हैं, ठीक है ना। ऐसे इसके इस पर कई न्यूमेरिकल आपको वी के मेहता और आर के राजपूत और जे बी गुप्ता में मिलेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स कैसे निकलते हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। फिलहाल आज का क्लास कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप लोग देखिए अच्छे से समझिए, कोई डाउट हो तो आप पूछिए पर्सनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।